खुश हैं उत्तराखंड से जानकर, बहुत अच्छा लगा। कुछ और लोग हैं उनके पास चलते हैं। मैं लोकल हूँ यहीं पर। आपकी वाइफ भी लोकल है? मेरे नहीं, ये बाहर की। बाहर की है लेकिन अब तो यहीं रहती आप है। तो 50 साल बैठे आप मैम प्लीज। देहरादून में आप कितने वर्षों से हैं? मेरी पैदाइश यहाँ की 70 ईयर्स। चलिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं जो देहरादून को समझ सके बेहतर तरीके से। पिछले कई वर्षों में और खासतौर में बीते 4.5 साल में जब से बीजेपी की सरकार है तब से देहरादून में क्या कुछ बदला? वैसे तो मतलब सरकारी तौर पे तो सब कुछ बदल गया, मगर शहर की अपनी हालत रोड्स की और नालियों की बहुत खराब है। बहुत अभी हम चल के आए हैं, ये लग रहा था नीचे अगर नहीं देखेंगे तो पैर पत्थर पे पड़ेगा और गिर जाएंगे। ऑफिशियली सब कुछ बहुत ठीक होगा, मतलब सरकारी कामकाज और लॉ ऑर्डर वगैरह सब सही है, तो ऊपरी तौर पर सब अच्छा दिख रहा है, मगर इंटरनली मतलब सब दिक्कत है। मेरे मोहल्ले में सीवर लाइन के लिए खुदी थी, उसको 1.5 साल बाद सड़क इतने इतने गड्ढे थे, अब डेढ़ साल बाद जबकि इतना अप्रोच किया सब किया तब उसके बाद। और ये बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आएगी या फिर सरकार? नहीं, इस बारे में नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता बिल्कुल। हम दरअसल चेतन पुरी वाले के यहाँ मौजूद थे और उनसे बात भी हुई कि कई वर्षों से इनकी दुकान है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हनुमान चौक आते हैं वो यहाँ पर पूड़ी खाने और उसके साथ ही मंदिर के दर्शन। लेकिन समस्या दरअसल देहरादून के इन्हीं पुराने इलाकों में है, पुराने इलाकों में जहाँ पर अभी ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, सकरी गलियां हैं और इन गलियों में इस दुकान तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे देहरादून की एक मशहूर बेकरी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, लेकिन बात एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।